बिना सर्विसिंग के लगातार उड़ानें भरी थीं। तथापि अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कैप्टन राजकुमार ने प्रचंड समुद्र में एकल जिंदगी को बचाने के लिए चक्रवाती तूफानी रात में अपने जीवन को खतरे में डालने वाले मिशन में उड़ान भरने का निर्णय लिया। उनका ये जोखिम इस बात से और ज्यादा हो गया कि न तो विमान और न ही कर्मी दल किसी नाइट विजन डिवाइसेस से सुसज्जित थे। लगभग 25 मिनट की खोजबीन के उपरांत पलटी हुई नाव को पकड़े हुए वो व्यक्ति नजर आया। अपने अपार अनुभव और उत्तम पायलट कौशल के साथ विशाल उछाल, शून्य दृष्टि और बिना नाइट विजन सहायता के अधिकारी घनी काली रात में प्रचंड समुद्र में 25 फीट ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को मंडराते रहे और उस व्यक्ति के ऊपर बचाव पट्टा पहनाने की स्थिति में आने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सतत रूप से पलटी हुई नाव को कसकर पकड़े हुए था। इस परिस्थिति में इन्होंने उसे पट्टा पहनाने में सहायता करने के लिए रात में एक गोताखोर को नीचे पानी में उतारने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया। गोताखोर के जाने के पश्चात अत्यधिक विपरीत मौसम परिस्थितियों में पी राजकुमार नायब सूबेदार विजय कुमार यादव 15वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। फरवरी 2018 में अपनी नजदीकी चौकी पर दुश्मनों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ होने का पता चलने पर नायब सूबेदार विजय कुमार यादव तुरंत हरकत में आ गए और लक्षित चौकी पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए गोलीबारी करने लगे। शीघ्र ही इन्होंने देखा कि दुश्मन छिपकर मोर्चा संभाल रहे थे। अपनी नजदीकी चौकी पर खतरे को भांपते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा से पूर्णतः बेपरवाह होकर वे त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच घटनास्थल की ओर बढ़ते गए। निडरतापूर्वक अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए शीघ्रता से दुश्मन बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकवादियों की घेराबंदी की। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल नजदीक से एक आतंकवादी को वहीं मार गिराया। इसके बाद वे झपट कर आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी, जो मृत आतंकवादी को ले जाने का प्रयास कर रहा था, उसे भी गोली मार दी, जिससे शत्रु अस्त व्यस्त हो गया और भागने को मजबूर हो गया। मारे गए आतंकवादी के शव का महत्व समझते हुए उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उनके निडर युक्तिपरक साहसिक कृत्य ने बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा हमले की योजना को विफल कर दिया। नायक सूबेदार विजय कुमार यादव ने सराहनीय वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, धैर्यपूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ और निडर भावना का प्रदर्शन किया। नायक सूबेदार विजय कुमार यादव। मेजर पवन गौतम, इंजीनियर्स कोर, 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। March 31, 2018 को आतंकवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होते ही मेजर पवन गौतम ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए विवेकपूर्ण रूप से योजना तैयार की और चुपके से शीघ्रतापूर्ण सुरक्षित घेराबंदी को अंजाम दे दिया। वे अपने साथी राइफलमैन के साथ लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े, परंतु अचानक ही उस मकान की ओर से उन पर भारी आतंकी गोलीबारी हुई। घेराबंदी को तोड़ने के लिए दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मकान से बाहर निकलकर उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए, जिससे उनका साथी राइफलमैन घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच मेजर पवन गौतम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया तथा अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लिया। दूसरा आतंकवादी मोर्चा संभालकर अधिकारी की ओर बड़ी मात्रा में गोलीबारी करने लगा तथा उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए। उसी समय मकान के अंदर मौजूद अन्य आतंकवादियों ने भी अधिकारी और उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी।
अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मेजर पवन गौतम ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए गुप्त स्थान पर छिपे हुए आतंकवादी की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से उसे मार गिराया तथा अन्य आतंकवादियों को घायल करने में सफल हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान 5 और आतंकवादी धराशायी किए गए। मेजर पवन कुमार गौतम ने असाधारण नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य से ऊपर उठकर शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। मेजर पवन गौतम। सैपर महेश HN इंजीनियर्स कोर 44वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। अगस्त 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में घेराबंदी और खोजी अभियान के दौरान सैपर महेश HN ने अपनी टीम के साथ तुरंत प्रभावी और समय पर घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। रात लगभग 9 बजे उनके मोर्चे पर 5 आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी करते हुए उस दिशा में भागने का प्रयास किया। सैपर महेश HN और उनके साथी ने निर्भीक और साहसपूर्ण कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को नजदीकी भीषण गोलीबारी में संलिप्त कर एक आतंकवादी को निष्प्रभावी करके दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी जीवित आतंकवादी एक घर के परिसर के अंदर छुप गए। अगली सुबह भीषण गोलीबारी के बीच एक आतंकवादी ने सैपर महेश की ओर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए बच निकलने का भरसक प्रयास किया। दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के साथ आपने आतंकवादी को रोका और नजदीकी लड़ाई में उसे मार गिराया। सैपर महेश HN ने एक कट्टर आतंकवादी को मारने और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल करने तथा अन्य आतंकवादियों को ढेर करने में सहायता प्रदान करने में अदम्य इच्छा शक्ति, सूझबूझ, अनुकरणीय पहल और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। सैपर महेश HN। कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी सिग्नल कोर 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। अगस्त 2018 को सुबह 9:50 पर 5 आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सचेत होने पर कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी ने रणनीतिक कुशाग्र बुद्धि और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए और प्रतिकूल मौसम और निम्न दृश्यता का लाभ उठाते हुए अपनी टीमों को संगठित किया और आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता रोक दिया तथा आपने और आपके साथी ने उन पर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। कर्तव्य प्रायणता का प्रदर्शन करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित मात्र भी परवाह न करते हुए आप छिपे हुए आतंकवादियों के बिल्कुल निकट पहुंच गए और एक विदेशी आतंकवादी को ढेर कर दिया। इसके उपरांत आपने प्रभावी कमान और नियंत्रण दिखाते हुए भारी गोलीबारी सुनिश्चित की, जिससे बाद में सभी 5 आतंकवादियों को ढेर करना कारगर हुआ। इस प्रकार कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी ने 5 आतंकवादियों को मार गिराने में अद्वितीय साहस, धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन किया। कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी। लांस नायक अयूब अली राजपूताना राइफल्स 9वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के एक घर में भारी मात्रा में हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों के एक समूह की घेराबंदी की गई। लांस नायक अयूब अली इस टीम का हिस्सा थे। रात लगभग 1 बजे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी और ग्रेनेडों का इस्तेमाल करते हुए घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। उनकी अंधाधुंध गोलीबारी से हमारे 2 सैनिक घायल हो गए।
लांस नायक अयूब अली अपने साथी को घायल देखकर छिपने की जगह से बाहर निकल आए और भागते हुए आतंकवादियों में से एक से भिड़ गए। अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए आपने उस आतंकवादी पर नजदीक से सटीक निशाना लगाया और उसे ढेर कर दिया। उसके उपरांत भी आप शेष आतंकवादियों से लड़ते रहे और घायल सैनिकों को सुरक्षित निकाले जाने में योगदान दिया। इस प्रकार लांस नायक अयूब अली ने निर्भीक साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कुख्यात आतंकवादी मारा गया और दो घायल सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लांस नायक अयूब अली। मेजर अमित कुमार डिमरी, गढ़वाल राइफल्स, 14वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र में 5 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर मेजर अमित कुमार डिमरी की कमान में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आपने व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करते हुए लक्षित परिसर की तलाशी प्रारंभ करते हुए स्वयं को भारी खतरे में डालकर आतंकवादियों का मुकाबला किया। आपने बचकर निकल रहे 2 आतंकवादियों का सफाया सुनिश्चित किया। शेष 3 आतंकवादी एक गौशाला के भीतर फंस गए। 21 सितंबर को 2 और आतंकवादियों को मार गिराने के पश्चात आप बुलेट प्रूफ शील्ड का प्रयोग करते हुए गौशाला के निकट पहुंच गए और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक से दीवार को तोड़ दिया। आपने टूटी हुई दीवार से घुसकर गौशाला के अंदर मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादी ने कूदकर बच निकलने का प्रयास किया, तथापि आपने उसका पीछा किया और नजदीकी गोलीबारी में उसे निकट से मार गिराया। इस प्रकार मेजर अमित कुमार डिमरी ने 3 आतंकवादियों को मार गिराने में शत्रुओं की भारी गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। मेजर अमित कुमार डिमरी। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।